और आगर मालवा जिले में प्रकृति का एक अद्भुत नजारा देखने को मिला है, जहां पर एक महिला ने 3 बच्चे को जन्म दिया, जिसमें से 2 लड़की और 1 लड़का है जो कि बिल्कुल स्वस्थ है। आगर मालवा जिला मुख्यालय पर स्थित नवजीवन अस्पताल के डायरेक्टर हिमांशु पाठक ने जानकारी देते हुए बताया है कि गर्भवती महिला मलका भी पति लखन निवासी गौसरैया को आपातकालीन स्थिति में नवजीवन हॉस्पिटल लाया गया था, और जिसके बाद ये नवजीवन हॉस्पिटल में आए, जहाँ पर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीना परिहार ने महिला को इमरजेंसी में संभाला और सफलता पूर्वक उसका सिजेरियन ऑपरेशन किया गया, जिसमें महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। काफ़ी दर्द में थी, जब आई जब मैंने उसका एग्जामिनेशन किया तो देखा गया कि उसका पहला बच्चा उल्टा है, बाकी जो पेट में दोनों बच्चे थे वो आड़े थे। इस प्रकार की स्थिति जब बनती है तो पेशेंट का हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, इमरजेंसी डिलीवरी करानी पड़ती है, क्योंकि अगर हमने नहीं कराई तो बच्चे की जान पर बनती है और महिला की भी जान पर बनती है, क्योंकि बच्चेदानी जब ट्रिपलेट प्रेगनेंसी होती है तो यूजुअली कॉन्ट्रैक्शन के साथ बच्चेदानी फटने का डर रहता है। तो महिला का मैंने रात को इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन किया, उस दौरान बच्चों को ट्रिपलेट होने की वजह से 3 बच्चों का वजन कम था, पर बच्चे स्वस्थ थे, 3 बच्चे काफ़ी स्वस्थ अवस्था में बाहर निकले, अच्छे हैं, उनका वेट जरूर थोड़ा सा कम है बट सर्वाइवल इज़ वेरी गुड। और महिला का ये है कि जटिलता ये हुई कि ऑपरेशन के दौरान इस प्रकार के केसेस में अक्सर क्या होता है कि आगर जिले की स्वास्थ्य सेवा में पिछले 3 वर्षों से हम लोगों की सेवा कर विश्वास का एक पर्याय बन चुके हैं, और कठिन से कठिन बीमारियों में भी आगर जिले वासियों को नवजीवन अस्पताल में हमने ठीक किया है, इस बात का हमें गर्व है। और पिछले दिनों ही इसी तरह का एक केस आया था जो संभवतः आगर जिले के लिए पहला होगा, एक महिला के लिए प्रसूति में 3 बच्चों को जन्म दिया है। तो कठिन जरूर केस था, हमारी डॉक्टर रीना परिहार अनुभवी हैं, पहले भी उनके इस तरह के अनुभव थे बाहर, तो उस अनुभव के आधार पर हमने इस केस को यहाँ पर लिया, और डॉक्टर रीना परिहार ने अपने सारे अनुभवों के साथ स्टाफ के साथ रह करके मरीज